मैं हूं आपके साथ दीपक बतौरिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से जो कि रायपुर से आपको बता दें, कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया पहुंचे हैं रायपुर। पीएल पूनिया का बड़ा बयान सामने आया है, निगम मंडल प्राधिकरणों के लिए नई यहां पर नहीं करना होगा अब ज्यादा इंतजार, जल्द ही निगम मंडलों पर निर्णय होगा। बस्तर में आदिवासियों के आंदोलन पर बोले, सरकार ने बहुमत से ही स्पष्ट कर दिया है और वह आदिवासियों के साथ है। ये बहुत ही स्पष्ट है, उद्योगपतियों के साथ नहीं, आदिवासियों के हितों का ध्यान रखते हुए जो भी निर्णय उचित होगा वो लिया जाएगा। जब मुख्यमंत्री के बयान के बाद कर्मचारियों की नाराजगी के सवाल पूछे गए तो पीएल पूनिया ने कहा है कि वह विषय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, वह इस पर उचित निर्णय लेंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ नगरीय निकाय चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। रूपेश, यहां पर पीएल पूनिया रायपुर पहुंचे, किन किन उन्होंने विषयों पर अपनी बात रखी? देखिए, तमाम बातें रखी, जो जो सवाल उनसे पूछे गए, खासतौर से चूंकि आज उनका एक कार्यक्रम था कांग्रेस भवन में, लेकिन वो कार्यक्रम हुआ नहीं क्योंकि जो मंत्री हैं शिवडहरियाम के पिताजी का निधन हो गया, तो एयरपोर्ट से सीधे वो शिवडहरिया के गांव चले गए हैं। आज शाम वो एक शादी में एक निजी कार्यक्रम में शरीक होंगे और उसके साथ साथ आज रात को रायपुर में रुकेंगे। जो खबरें आ रही हैं, हालांकि कंफर्म नहीं किया है कांग्रेस ने, कि वो जशपुर कल जा सकते हैं और वहां के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसके मुताबिक आज उनको कांग्रेस भवन, जो कि राजीव भवन है, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी और चर्चा करनी थी ताजा हालात पर। इसमें जो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो महत्वपूर्ण बयान ये दिया है, दो महत्वपूर्ण मसले हैं, एक बस्तर में जो कुछ हो रहा है और दूसरा कांग्रेस के अंदर जो कुछ घट रहा है, जो चिंताएं कांग्रेस नेताओं के माथे पर है कि किसको बत्ती मिलेगी और किसको इनाम मिलेगा। तो मगर निगम मंडल जो है उन पे सबकी नजर लगी हुई है, खासतौर से जो लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि 15 साल के बाद पार्टी सत्ता में आई है तो उसका फायदा उनको भी मिलेगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि पुनिया ने उनको राहत दे दी है, कहा है कि जल्दी मंडल और निगम पर फैसला हो जाएगा, जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। और इसी को लेकर के इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं कि नगरीय निकाय चुनाव तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कुछ दिनों में या अगले महीने हो सकता है कि वो सारे नाम सामने आ जाए कि कौन निगम और मंडल की कुर्सियों पर काबिज होगा। तो ये कम से कम कांग्रेस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरी, एक सरकार के सामने मुश्किल है बस्तर में कि एक तरफ वो आदिवासियों की बात को रखे, दूसरी तरफ जो माइनिंग है वो भी अफेक्टेड ना हो, क्योंकि हुआ ये कि बेलाडीला में जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसका असर नगरनार में हुआ, वहां पे जो काम शुरू होना था काम शुरू नहीं हो पाया। इसके अलावा जो माइनिंग दूसरी जगहों पर हो रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। और उसी को लेकर के कल अब एंज बैजेंद्र कुमार ने जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की तो उन्होंने निर्देश भी दिए कि आप जल्दी से काम वहां पर शुरू कराइए। तो आदिवासी जो नाराज था, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साथ लेने की कोशिश की है और जो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है उसी को लेकर के कहा कि आदिवासी हमारे साथ है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन और मंत्री विजय लक्ष्मी साथ